गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी सुबह वाली जो क्लास थी 10 AM, वो किसी कारणवश 6 PM को करनी पड़ी। माय डियर फ्रेंड, आप सभी जो सुबह मेरी क्लास में जुड़े हुए थे, आप सभी को पता होगा कि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उसी कारण सुबह क्लास नहीं हो पाई। बट नाउ अब हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग जो मेरे साथ जुड़ गए हो, एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो जो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि जहां तक मेरी कोशिश होगी, अब ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। पायल मंडल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाग्यश्री चौधरी जी, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जस्ट वेट करते हैं कुछ थोड़े टाइम का, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ताकि सभी लोग हमारे से जुड़ सकें, सभी लोग हमारे से जुड़ जाएं, उसके बाद हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यस मनीष जायसवाल, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो जस्ट वेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी डिले। आई होप अब अच्छा काम करेगा। सभी जो प्रॉब्लम्स थी नेट को लेकर, उनको सही कर दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, सही कर दिया गया। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो लाइक जरूर कर दें। उससे हमें पता लगता है कि बच्चों को कितना पसंद आ रहा है, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं कुछ बनाने के लिए। तो आपको नहीं पसंद आता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि पसंद आ रहा है? तो एक लाइक ऐसा बटन रहता है, उससे पता लग जाता है कि आपको पसंद आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, लाइक साथ के साथ करते रहें। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार अपने फ्रेंड्स को और शेयर कर दो, ताकि जो लोग मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़े हुए थे और किसी कारणवश अब उनको पता नहीं है कि क्लास अभी हो रही है सुबह वाली, तो वापस हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि एक अलग वे में हम इस क्लास को करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आएगा। मैपिंग का क्लास जो है, उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उतने काफी हैं, जो बाकी लोग हैं वो जुड़ते रहेंगे, डोंट वरी। यस। तो वकुल कुमार, गुड इवनिंग। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यहां पर महाद्वीपों का मैपिंग। मीन्स महाद्वीपों में कहां कहां पर कौन सा मरुस्थल है, कहां पर कौन सी नदियां हैं, किस मरुस्थल में, मीन्स किस पर्टिकुलर महाद्वीप में कौन सी नदी है, वहां पर झीलें कौन कौन सी है, वहां पर मरुस्थल कौन से हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट वहां पर खनिज मिलता है, ये सभी कवर करेंगे हम किसके द्वारा, मैपिंग के द्वारा। तो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस जो लेक्चर था, उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया था, तो आज हम कवर करेंगे, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें नॉर्थ अमेरिका को कवर किया था, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा साउथ अमेरिका। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, माय डियर्स, यस पिंटू कुमार जी, गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे साउथ अमेरिका। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी स्टार्ट करने से पहले हमको सबको ये पता होना चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। उसमें फर्स्ट है कि पृथ्वी पर हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 कंटिनेंट्स। तो उनमें फर्स्ट नंबर का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो है एशिया। सबसे ज्यादा किस महाद्वीप का एरिया है, तो फर्स्ट नंबर पर है एशिया, सेकेंड नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर साउथ अमेरिका, एंड 5 नंबर अंटार्कटिका, 6 नंबर यहां पर यूरोप, एंड 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक्स की एरिया के आधार पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो सबसे ऊपर यहां पर एशिया, उसके बाद अफ्रीका, एंड यहां पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यहां पर अंटार्कटिका, एंड यूरोप, एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यहां पर हो जाएगा एशिया, एंड सबसे छोटा कौन सा है, तो हो जाएगा अंटार्कटिका। तो ये जो नॉर्मल जो बेसिक नॉलेज है, जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी में तो डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड, हमने
प्रीवियस जो लेक्चर था पिछला, हमने एक क्लास हो गई हमारी मैपिंग की, उसमें हमने जो नॉर्थ अमेरिका था उसको हमने कवर किया था कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं, वहां पर रॉकी पर्वतमाला थी, रॉकी पर्वतमाला, उसके बाद यहां पर अलास्का रेंज, अलास्का रेंज थी, उसके यहां अलास्का रेंज को बेरी जनसंधि अलग करती है, ये सभी। तो आप प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसको भी जरूर देख लें ताकि आप कंटिन्यू कर पाओ, क्लासेस कंटिन्यू कर पाओ। यस ममता जी, गुड इवनिंग। तो यहां पर अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैप पढ़ोगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि यहां पर इक्वेटर। तो इक्वेटर, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में मिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और कौन सा यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो उत्तरी गोलार्ध, अगर हम इक्वेटर देखें, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर मिस विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा से ऊपर की साइड में जितने देश पाए जाएंगे या फिर जितने महाद्वीप हैं वो कहलाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर मिस 0 डिग्री जो सेल्सियस हमारी रेखा है 0 डिग्री, उससे जो नीचे के साइड में जितने देश रहेंगे वो देश रहेंगे हमारे दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फेयर। अगर हम अब यहां एग्जांपल लें तो आज हम डिस्कशन करेंगे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका को इक्वेटर ऊपर से यहां से काटती हुई निकलती है माय डियर फ्रेंड्स, काटती हुई निकलती है मींस यहां पर इक्वेटर नॉर्थ साउथ अमेरिका को काटती हुई निकलती है। साथ में ही यहां पर कौन कौन से दिन क्लास होता है माय डियर, तो यहां पर डेली क्लास होता है। आप स्टडी आईएएस पर जुड़े हुए रहिए, स्टडी आईएएस पर लाइव क्लासेज को आप देखते रहिए, थोड़ा टाइमिंग कभी चेंज हो जाता है बट जनरली मैपिंग की जो क्लास होती है सुबह मॉर्निंग में 10 AM को होती है। तो ये आप ध्यान रखना, 7:30 AM को द हिंदू एनालिसिस होता है, द हिंदू एनालिसिस। तो डियर फ्रेंड, यहां पर उत्तरी गोलार्ध एंड सदर्न हेमिस्फेयर यहां पर ये इक्वेटर, उसके अलावा यहां पर जो इक्वेटर से ऊपर जो रेखा है यहां पर, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस कर्क रेखा मींस 23.5 डिग्री ये नॉर्थ, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा है इसे हम कह रहे हैं कर्क रेखा। और एक जो इक्वेटर्स के नीचे की साइड में है 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री यहां पर कौन सी है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मींस मकर रेखा। तो ये याद रखना कि कर्क रेखा कौन सी होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड मकर रेखा कौन सी होती है 23.5 डिग्री साउथ। ये होती है हमारी कौन सी, मकर रेखा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा एंड यहां पर इक्वेटर मींस विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश। अब जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, तो साउथ अमेरिका से यहां पर इक्वेटर को काट रही है, इक्वेटर साउथ अमेरिका को काट रही है, साथ में ही साउथ अमेरिका के यहां से जो मकर रेखा है वो भी काट रही है, मकर रेखा। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। यहां पर आपको क्या याद करना, जब भी आप मैपिंग पढ़ोगे तो जब पृथ्वी यहां पर क्या है, पृथ्वी में यहां पर क्या, कौन सी रेखा जा रही है, 0 डिग्री ये 0 डिग्री जो है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। एंड यहां पर जो रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोल रहे हैं कर्क रेखा। एंड जो नीचे की साइड में होगी मकर रेखा 23.5 साउथ। तो इसके आसपास यहां पर क्या होता है, जो विषुवत रेखा, इसके आसपास सूर्य की किरणें क्या होगी, सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा सीधी पड़ेगी, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर जो होगा हाई होगा। और साथ में इसके आसपास यहां पर समुद्र बहुत ज्यादा होने के कारण जब टेम्परेचर हाई होगा तो पानी का वाष्पीकरण होगा, और पानी का बार बार वाष्पीकरण होगा तो यहां पर साल भर बारिश भी होगी। मीन्स इक्वेटर पर क्या होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा एंड रेन ये भी हाई होगा, मीन्स दोनों हाई रहेंगे। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वो हम देखेंगे। मीन्स जब हम यहां देखे हैं साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में अगर हम आगे बढ़े यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर देखना अब ये है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में पहले हम देखते कि देश कौन कौन से हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा वो है ब्राजील।
ब्राजील, ब्राजील सबसे बड़ा देश है और उसकी जो राजधानी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। तो आप ये याद रखोगे कि ब्राजील की राजधानी कौन सी है, ब्राजीलिया। उसके बाद यहां पर एक देश है फ्रेंच गुयाना, लेकिन ये स्वतंत्र देश नहीं है, ये स्वतंत्र देश नहीं है, इस पर जो अधिकार है ये टेरिटरी किसके अंडर में आती है, फ्रांस के अंतर्गत। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी कभी न्यूज में सुना होगा कि फ्रांस यहां पर फ्रांस अपना क्या करता है, एराइन, ARIANE, एराइन 5, उसका एक क्या है, उसका एक जो GSLV, जिस जैसे था हमारे यहां GSLV है, जियोलाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसी तरह एराइन 5 के द्वारा वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, कहां से, फ्रेंच गुयाना से। और हमने भी कई बार फ्रेंच गुयाना से फ्रांस की सहायता से अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। अगेन जो यहां पर इंपॉर्टेंट देश है वो है सूरीनाम। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, सूरीनाम की राजधानी यहां पर पैरामेरिबो इसकी राजधानी है, तो राजधानी का नाम याद रखना। अगेन यहां पर जो देश है वो है गुयाना, उसकी राजधानी है जॉर्जटाउन। वेनेजुएला, इसकी राजधानी यहां पर है कराकस। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी आपको याद होना चाहिए। यस, ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। तो यहां पर याद रखना, ओके पायल जी, ट्रॉपिकल जोन ये भी बताएंगे। तो यहां पर कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, इसकी राजधानी कोलंबिया की। एंड यहां पर इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो। आप जब मेरे साथ बैठे हो तो अपना मैप लेकर बैठो ताकि आपको आसानी से समझ में आए माय डियर फ्रेंड्स, आसानी से समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आप आंसर देते हो गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, यहां तो हमारी सीखने वाली क्लास है। तो यहां पर इक्वेडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो। अगेन यहां पर जो देश है वो है पेरू, इसकी राजधानी यहां पर पेरू की राजधानी लीमा। तो ये भी आप याद रखोगे कि पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, यहां पर लीमा पेरू की राजधानी। अगेन यहां पर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जो कहीं से भी समुद्र जो एरिया है उससे टच नहीं करती अगर बाउंड्री, तो ऐसे देश को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। और जो साउथ अमेरिका है उसमें दो देश ऐसे हैं जो भू आबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसमें एक है बोलिविया जिसकी राजधानी है लापाज। और सेकंड देश है पाराग्वे, जो भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसकी राजधानी है असुनसियोन। तो ये सभी आप याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी आप याद रखोगे। अगेन जो हमारे यहां पर देश है यहां पर वो उसका नाम है चिली। और चिली को चिली क्यों कहते हैं, तो ये समझना, यहां पर चिली की जो आकृति है वो चिली की तरह है, मीन्स मिर्ची की तरह है, इसलिए इसका नाम है चिली। और इसकी राजधानी है माय डियर फ्रेंड्स सैंटियागो, इसलिए ये भी आप याद रखना। यस सोल तिवारी, जय श्री परशुराम सर, ओके थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। तो यहां पर चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आगे अर्जेंटीना, इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयरस, इसकी राजधानी यहां पर ब्यूनस आयरस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो राजधानी थी माय डियर फ्रेंड्स, वो सभी हमने राजधानी की। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। और यहां पर फ्रेंच गुयाना स्वतंत्र देश नहीं है, आई एम टेलिंग अगेन यू कि फ्रेंच गुयाना यहां पर स्वतंत्र देश नहीं है। ये जो देश है मीन्स ये एक तरह से किसके अंडर में आता है, ये फ्रांस के अंतर्गत में आता है, फ्रांस के अंतर्गत ये टेरिटरी है। और इसकी राजधानी यहां पर सियाने इसकी राजधानी है। लेकिन यहां पर जो अधिकार क्षेत्र है वो है फ्रांस का, फ्रांस यहां से अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। हमने देखा कि सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो, एंड यहां पेरू की राजधानी लीमा, एंड बोलिविया जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है उसकी राजधानी लापाज, एंड पराग्वे जिसकी राजधानी असुनसियोन, एंड चिली की राजधानी हमने देखी, चिली की राजधानी सैंटियागो, एंड अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना है। यस सोल तिवारी, आराम से पूछ सकते हो विदाउट एनी टेंशन। यस राम कुमार, गुड इवनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपको बहुत मजा आने वाला है, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दीजिए,
अपने फ्रेंड्स को भी आप कर दीजिए शेयर, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ताकि ताकि आपको सभी ये जो पॉइंट्स है वो सभी समझ में आए माय डियर फ्रेंड्स, सभी आपको समझ में आए, सभी समझ में आए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है जो हम यहां पर कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर हमने राजधानी देखी साउथ अमेरिका की, सभी राजधानी देखी, सभी राजधानियां देखी कि कहां पर कौन कौन सा है। यस यस, नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी, नंबर मिल जाएगा सोल तिवारी, डोंट वरी, नंबर आपको मिल जाएगा। माई व्हाट्सएप नंबर इज 8448707667। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से मुझे मैसेज कर देना, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आई विल सोल्व, डोंट वरी, डोंट वरी। तो यहां पर जो हमने देखा कि राजधानियां कौन कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम देखेंगे, उन सभी को यहां पर हम देखेंगे। यहां पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि यहां पर जीरो डिग्री जो अक्षांश है, जीरो डिग्री अक्षांश है वो कहां से गुजर रही है, यहां पर इक्वेडोर से गुजर रही है, इक्वेडोर, और यहां से गुजरते हुए यहां पर निकल रही है, यहां पर जीरो डिग्री इक्वेटर। तो यहां से देखेंगे कि इक्वेटर कौन कौन से देशों से गुजर रही है, इक्वेटर कौन कौन से देशों से गुजर रही है, ये हम यहां से देखेंगे। यहां से तो इक्वेटर की अगर बात करें तो यहां पर ये मैप है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा गड़बड़ आपको लग सकता है, लेकिन जो इक्वेटर है, इक्वेटर साउथ अमेरिका में इक्वेडोर एंड कोलंबिया एंड ब्राजील, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। पेरू यहां छोटा सा पार्ट लगता है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि शायद जीरो डिग्री अक्षांश से लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो डिग्री अक्षांश साउथ अमेरिका में केवल तीन देशों से गुजरती है, और वो कौन से हैं, इक्वेडोर एंड कोलंबिया सेकंड एंड ब्राजील थर्ड। तो इसका नाम है बैक, ब्राजील, इक्वेडोर एंड कोलंबिया। तो तीन देशों से गुजरती है कौन सी रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश मींस इक्वेटर मींस विषुवत रेखा। इसलिए समझना, विषुवत रेखा के आसपास जो टेम्परेचर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ज्यादा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहां पर जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और साथ में क्या होगा, यहां पर आसपास विषुवत रेखा के आसपास क्या है, समुद्र का एरिया है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो बार बार टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, वर्ष भर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण बारिश ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि वाष्पीकरण होगा और बारिश ज्यादा होती रहेगी। तो यहां पर जो रेन है वो लगभग 200 सेंटीमीटर यहां पर रेन होती है माय डियर फ्रेंड्स, और टेम्परेचर भी यहां पूरे वर्ष भर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ रहता है। तो इसीलिए आप समझोगे, इसीलिए यहां जीरो डिग्री के आसपास क्या होगा, इस एरिया में यहां पर वृक्ष काफी मात्रा में विकसित होंगे, यहां पर वृक्ष, इसीलिए इस एरिया में अमेजन नदी, एंड यहां पर जब बारिश ज्यादा हो रही है तो यहां पर अमेजन नदी बहती है, और अमेजन नदी के साथ में यहां पर काफी मात्रा में अमेजन के जंगल्स फेमस हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके, वेलकम माय डियर। तो यहां पर इसलिए आप समझना कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राजधानी है, एंड कौन जीरो डिग्री सेल्सियस तीन देशों से गुजर रही है, जहां पर हर साल पूरा साल भर टेम्परेचर एंड बारिश दोनों ज्यादा हैं। तो इसी कारण माय डियर फ्रेंड्स, इसी कारण आप समझना कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो बारिश क्या होगी ज्यादा मात्रा में होगी। इसीलिए यहां पर पानी की मात्रा जो है वो भी ज्यादा रहेगी, तो वर्ष भर जो नदी है, जो अमेजन नदी है, वो वर्ष भर बहती रहती है। उसी कारण यहां जंगल है जो अमेजन बेसिन के, वो काफी मात्रा में है। अमेजन बेसिन यहां देखोगे तो यहां पर है अमेजन बेसिन, अमेजन के यहां जंगल है, इसीलिए यहां पर जो अमेजन के जंगल है, इन्हें बोलते हैं हम पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि इतने घने जंगल है माय डियर फ्रेंड्स
कि यहां पर पूरे पृथ्वी के लिए काफी मात्रा में यहां ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, काफी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। सर टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर लो होगा या हाई? टेम्परेचर जब हाई होता है माय डियर फ्रेंड्स, टेम्परेचर जब हाई होता है तो प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। उसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे। यहां पर अगर क्या होता है कि अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं, यहां पर गैस के जो कण हैं वो अगर पास पास हैं, गैस के कण अगर यहां पास पास हैं और टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, गैस के कण कहां जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर। तो क्या होगा जब कण दूर दूर जाएंगे तो एयर प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि जब कण दूर दूर रहेंगे तो जो जो पर्टिकुलर आयतन है तो उसमें कणों की मात्रा कम हो जाएगी, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा यहां पर कम हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो ये हवा के कण क्या होंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, और जितने ज्यादा कम आयतन में ज्यादा ज्यादा कण रहेंगे तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां पर समझना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, और इसी कारण क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा यहां पर हवा के कण और जल वाष्प ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर अगेन धीरे धीरे कम होगा और वापस वो बारिश के रूप में नीचे आ जाएंगे। यस 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 पल्लवीराज जी, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मैपिंग 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 साउथ अमेरिका। यस, फॉरेस्ट में आग कैसे लगती है ये भी बताएंगे बागीश्री जी, फॉरेस्ट में आग कैसे लगती है। यस यस यस, तो ये सही है बकुल कुमार, वेरी नाइस। आग क्यों लगती है फॉरेस्ट में वो भी मैं बता देता हूं। आग लगने का रीजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि धीरे 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 ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो पत्तियां हैं, पत्तियां उनकी वाटर की डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 बढ़ रही है। तो CO2 बढ़ने के कारण जो प्लांट है वो भोजन ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन नीचे अभी जो प्लांट्स को जितना वाटर की जरूरत रहती है कहीं ना कहीं उनके जड़े उतनी तेजी से नीचे नहीं बढ़ रही। ब्राजील में भी बारिश जो जितनी ज्यादा पहले होती थी उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। और जंगल जंगल किस किसी पर्टिकुलर मौसम में अब क्या हो गए हैं, सूख रहे हैं उनके पत्तियां, और सूखने के कारण जंगलों में भी अभी आग लगती है, जंगलों में भी आग लगती है। तो पहले के जो जंगल थे वो बहुत ज्यादा ग्रीन थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां भी प्लांट्स धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो गए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है यहां पर। और क्या याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर आप याद रखोगे कि जो यहां पर 23.5 डिग्री सेल्सियस है, मींस जो 23.5 डिग्री सेल्सियस है वो यहां से गुजरती है, यहां से गुजरती है, मींस जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो विषुवत रेखा के बाद, जो हमने देखा विषुवत रेखा तीन देशों से गुजर रही है, उसके बाद यहां पर मकर रेखा, मकर रेखा, तो यहां से दो रेखाएं गुजरती है जो साउथ अमेरिका, वहां से दो रेखाएं गुजरती है, एक है विषुवत रेखा, दूसरी मकर रेखा। मकर रेखा चार देशों से गुजरती है माय डियर फ्रेंड्स, मकर रेखा चार देशों से गुजरती है, उसमें फर्स्ट है चिली, फर्स्ट है चिली, एंड सेकंड जो यहां पर है, सेकंड जो यहां पर है वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, एंड यहां पर पराग्वे एंड ब्राजील, पराग्वे एंड ब्राजील। तो इसका नाम आप याद रखना, चाइना बाप बनने की कोशिश कर रहा है, चाइना बाघ बनने की कोशिश कर रहा है, और पीछे से उसको बैक कर रहा है कोई और। तो यहां पर याद रखना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चाइना बाप बनने की, या फिर बी सी बैप एंड बैक, इसके द्वारा आप याद रखना कि जो इक्वेटर है वो इक्वेडोर, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील तीन देशों से गुजरती है, जबकि यहां पर मकर रेखा मींस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा चार देशों से गुजरती है, जो चिली, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील, तो चार देशों से गुजरती है। यह आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब इनका क्या फायदा माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी का क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ने का, वो अब हम डिस्कशन करेंगे। अगर यहां से विषुवत रेखा गुजर रही है तो आपको देखा होगा, जब भी हम पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको एक पॉइंट अभी से याद होना चाहिए, एक पॉइंट हमें से याद होना चाहिए कि पढ़ते समय यहां पर अगर ये पृथ्वी है तो विषुवत रेखा अगर यहां 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसके आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा हाई रहेगा, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो क्लाइमेट रहता है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मींस विषुवत रेखीय क्लाइमेट,
और जब इसके ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री जो आसपास रहता है, 23.5 डिग्री के आसपास यहां पर जो क्लाइमेट रहता है आसपास 23.5 डिग्री के पास, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। और जब हम और आगे जाते हैं 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री, तो वहां पर जो टेम्परेट रहता है वो है सब टेम्परेट, सब यहां पर टेम्परेट रीजन। टेम्परेट मींस यहां पर आता है शीतोष्ण, शीतोष्ण। सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं उपोष्ण रीजन, उपोष्ण। एंड यहां पर ट्रॉपिकल को बोलते हैं, यहां पर ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। तो याद रखना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी पर जाते हैं तो यहां पर जो पृथ्वी का अगर 0 डिग्री के पास है तो इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। तो यहां पर कोई भी वनस्पति होगी तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और 23 डिग्री के आसपास, 23.5 डिग्री के आसपास सब ट्रॉपिकल मींस उपोष्ण। एंड उसके नीचे जब जाएंगे 60 के आसपास तो वो होगा टेम्परेट रीजन मींस शीतोष्ण, शीतोष्ण मींस टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे ही अगर हम यहां पर साउथ अमेरिका में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां से इक्वेटर अगर गुजर रही है, इक्वेटर अगर गुजर रही है तो यहां आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा हाई रहेगा, तो यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय रहेगी, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु। यहां पर 23 डिग्री अगर यहां से गुजर रही है 23 डिग्री, तो यहां की जलवायु जो है वो सब ट्रॉपिकल रहेगी मींस उपोष्ण, उपोष्ण। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे 45 डिग्री के आसपास और 60 डिग्री के आसपास, तो यहां पर जलवायु रहेगी वो रहेगी यहां पर टेम्परेट। तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण जलवायु एंड टेम्परेट मींस शीतोष्ण जलवायु, सभी टाइप की जलवायु जब मिलती है तो यहां पर वनस्पति जो है उसका प्रकार अलग रहेगा, घास जो रहेगी उसका प्रकार अलग रहेगा, एंड पशुपालन जो है, वृक्ष जो है वो सभी अलग प्रकार के पाए जाएंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस महबूब असन जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहां पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है एंड टेम्परेट रीजन भी है। इसके कारण यहां पर अलग अलग टाइप की जलवायु पाई जा रही है। तो जब अलग अलग टाइप की जलवायु पाई जाएगी तो यहां पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर नेचुरल वेजिटेशन काफी मात्रा में पाई जाएगी, काफी मात्रा में पाई जाएगी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो क्या क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं यहां पर, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि यहां पर आप याद रखना फर्स्ट कि यहां पर जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला, वेनेजुएला यहां पर एक है लेक, यहां पर एक लेक है मरासिएबो, मरासिएबो यहां पर लेक है माय डियर फ्रेंड्स, मरासिएबो लेक है जो यहां पर वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। तो आपको यहां पर देख दिख रहा होगा मरासिएबो, मरासिएबो ये एक लेक है, इसके आसपास ही यहां पर बिगेस्ट यहां पर ऑयल जो है, ऑयल रिसोर्सेज है। इसी कारण वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ओपेक, उसका सदस्य कौन, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि मरासिएबो जो है वो जो झील है, यहां पर मरासिएबो जो झील है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर ऑयल के भंडार पाए जाते हैं, ऑयल के भंडार पाए जाते हैं। यस माउंटेन भी बताएंगे माय डियर फ्रेंड्स, माउंटेन भी बताएंगे। तो यहां पर ऑयल के भंडार पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम और आगे बात करें तो यहां पर बोलीविया जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, बोलीविया एंड पेरू की जो बाउंड्री है वहां पर पाई जाती है लेक टिटिकाका। अभी हम जो लेक है, झीले उनकी बात कर रहे हैं। तो एक झील हमने देखा मरासिएबो, दूसरी झील है वो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका कहां पर पाई जा रही है, बोलीविया एंड पेरू की बाउंड्री पर। अगर हम इसको अच्छे से डायग्राम के साथ देखें झीलों को, तो झीलें कौन कौन सी माय डियर फ्रेंड्स, यहां समझना कौन कौन सी झीलें हैं। तो यहां पर देखना, यहां पर आपने पहले देख लिया ऊपर मरासिएबो झील देख लिया, सेकंड जो झील है यहां पर लेक टिटिकाका और यहां पर है लेक पोपो। तो यहां पर आप देखोगे लेक टिटिकाका, वो लेक टिटिकाका कहां पर है माय डियर फ्रेंड्स, बोलीविया एंड पेरू दोनों की बाउंड्री पर है, पेरू दोनों की बाउंड्री पर। ये पार्ट है ये पेरू का है, इधर वाला जो पार्ट है ये किसका है, यहां पर
ये है यहां पर जो हिस्सा है वो बोलिविया। तो लेक टिटिकाका बोलिविया और पेरू की बाउंड्री पर पाई जाती है। एंड एक जो लेक है वो है लेक पोपो। लेक पोपो कहां पर पाई जाती है? बोलिविया में। बोलिविया में पूरी तरह बोलिविया में पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स लेक पोपो। और इसीलिए लेक पोपो काफी फेमस है। लेक पोपो काफी फेमस है। लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका यहां पर भी लिखी हुई है लेक टिटिकाका। और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट ऐसी झील है जहां पर नौ गम्य परिवहन होता है। मिस नौ गम्य झील है वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका, लेक ओपो, लेक पेराम्बिगो, यहां पर लेक हमने जो देखी माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर लेक टिटिकाका एंड लेक यहां पर मेरा सिएबो यहां पर क्या खनिज की मात्रा में, काफी दृष्टि से खनिज काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखोगे कि तीन झीलें लेक टिटिकाका, लेक पोपो, यहां पर है लेक टिटिकाका। अगर यहां देखोगे तो यहां पर लेक टिटिकाका है और यही कहीं जो है लेक पोपो। जो लेक पोपो है पूरी तरह बोलिविया में है जबकि लेक टिटिकाका बोलिविया एंड पेरू की बाउंड्री पर है। और यहां पर मेरासिएबो जो है पूरी तरह कहां पर है? वेनेजुएला में, जहां पर खनिज तेल के भंडार काफी मात्रा में है। खनिज तेल के काफी मात्रा में भंडार है। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखोगे, ये सभी पॉइंट्स आप याद रखोगे। अब चलते हैं हम जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका यहां किसे कहते हैं? ये कई बार दिमाग में आता है। तो यहां पर मैक्सिको, मैक्सिको मिडिल जो अमेरिका है, मिडिल अमेरिका मीन्स मध्य अमेरिका, मैक्सिको एंड यहां पर कैरेबियन जो द्वीप है, जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है एंड साउथ अमेरिका, ये सभी मिलकर, ये जो पार्ट है ये मिलकर क्या बनाता है? लैटिन अमेरिका। मीन्स लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका एंड कैरेबियन जो द्वीप है वो सभी शामिल होकर ये जो एरिया है ये कहलाता है लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका कहने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा वो जनरली बोलते थे ज्यादातर, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको समझना है कि लैटिन अमेरिका कहां पर है। आगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स यहां पर कि जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, जब हम साउथ अमेरिका का डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, साउथ अमेरिका का डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं, तो जो साउथ अमेरिका का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है, मींस सबसे सदर्न पॉइंट है, वो है कैप हॉर्न, कैप हॉर्न। और यहां पर याद रखना कैप हॉर्न, और एक यहां पर है अर्जेंटीना, यहां पर अर्जेंटीना उसका जो भाग है यहां पर वो है टियरा डेल फ्योगो। टियरा डेल फ्योगो को एक संधि अलग करती है, इसे हमें से याद रखना। इस संधि का नाम है स्ट्रेट ऑफ मेलेगन, ये इसे अलग करती है, मेलेगन जल संधि टियरा डेल फ्योगो को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। टियरा डेल फ्योगो को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम जो बिंदु है वो है कैप हॉर्न। और इसी के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है यहां पर फोकलैंड आइलैंड, जिसको लेकर अर्जेंटीना और यूके में डिस्प्यूट है। और इस पर अधिकार किसका है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम। ओके, करेंगे सर लैटिन अमेरिका एक्सप्लेन करना। ओके, तो यहां पर लैटिन अमेरिका मैंने बताया आपको, लैटिन अमेरिका में क्या याद रखना है कि लैटिन अमेरिका कहने के पीछे जो रीजन है, एक सीधा सा रीजन ये है कि लैटिन अमेरिका में यहां पर जो रोम साम्राज्य था उस समय यहां काफी मात्रा में लोग रोम इटली वहां से काफी मात्रा में लोग यहां पर आकर बसे थे मध्य अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन द्वीप में। तो वहां से जो भाषा बनी, चाहे पोर्चुगल हो या फिर यहां पर अमेरिकन जो देश है उनमें जो भाषाएं हो, वो सभी, चाहे फ्रेंच भाषा हो, ये सभी रोम के जो लोग हैं वहां पर जो भाषा चलती थी लैटिन भाषा, उन्हीं के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे संस्कृत से कई भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, उसी तरह रोम के द्वारा जो लैटिन भाषा थी उसके कई भाषाओं की उत्पत्ति हुई। और ये लोग जो लैटिन बोलने वाले थे ये पूरे यहां पर आकर बसे थे काफी मात्रा में, उसी कारण ये जो एरिया है वो क्या है? लैटिन अमेरिका। हमने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया था, उसमें हमने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज हैं, उन्हें यहां पर कैरेबियन द्वीप भी हमने बताया था कि कैरेबियन द्वीप कौन से हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर साउथ अमेरिका। तो यहां पर आपको एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूं यहां पर, तो आप यहां देखना माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर अगर यहां पर आप देखोगे इसका
कंप्लीट एक डायग्राम है कि यहां पर अगर हम देखें कि कैप होर्न या नीचे है, कैप होर्न या नीचे है माय डियर फ्रेंड्स, कैप होर्न, एंड यहां पर स्टेट ऑफ मेलेगन, टेरा डेल फ्योगो और यहां पर फोकलैंड आइलैंड, तो यहां पर चिली जो है, चिली का एक बंदरगाह है पुंता आयरेनास, जो आयरेनास जो है, पुंता आयरेनास बंदरगाह है, ये आप याद रखना, ये लो अयस्क की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर जो एनवायरमेंट है वो अयस्क के लिए फेवरेबल नहीं है, खनन के लिए फेवरेबल नहीं है, दुर्गम परिस्थितियां पाई जाती है, लेकिन आप याद रखना कि पुंते आरिनास एक बंदरगाह है किसका, चिली का, और टेरा डेल फ्योगो ये किसका पार्ट है, अर्जेंटीना का, और यहां पर स्टेट ऑफ मेलेगन टेरा डेल फ्योगो को अर्जेंटीना की जो मेन भूमि है, मुख्य भूमि, उससे अलग करता है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कैप होर्न। अगर हम मेलेगन जलसंधि हम देखें तो यहां से आपको दिखेगा यहां पर मेलेगन जलसंधि, यहां पर स्टेट ऑफ मेलेगन है जिसके द्वारा यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर जो टेरा डेल फ्योगो है जो अर्जेंटीना का पार्ट है, इसको अलग कर रहा है कौन, स्टेट ऑफ मेलेगन, और यहां पर पुंता आयरनास एक बंदरगाह है किसका, चिली का, और दक्षिणतम जो बिंदु है वो है कैप होर्न, और यहीं पर एक उसुहाया, ये एक अर्जेंटीना का यहां पर एक और बंदरगाह है जो आपको याद रखना है, अगर याद रख सको तो ये सभी इंपोर्टेंट यहां पर था। एक जो आपको याद रखना है यहां पर ड्रेक पैसेज, ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ड्रेक पैसेज, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, अगर आप याद रख सको इसको तो ड्रेक पैसेज हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ड्रेक पैसेज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ड्रेक पैसेज नॉर्थ अमेरिका को जो अंटार्कटिका है उससे अलग करता है, तो ड्रेक पैसेज यहां पर आपको दिख रहा होगा, ड्रेक पैसेज ये यहां पर नॉर्थ अमेरिका यहां पर आपको दिख रहा होगा, ड्रेक पैसेज यहां पर है, ये है साउथ अमेरिका को ये क्या करेगा, जो अंटार्कटिका है इससे अलग करता है, ये है ड्रेक पैसेज, और यहां किसको किससे जोड़ता है, अगर हम देखें पैसिफिक ओशियन को यहां पर अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है, जबकि साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है, तो ड्रेक पैसेज, मेलेगन स्ट्रेट, ये सभी आपको याद रखना है कि किस महाद्वीप से संबंधित है। लैटिन अमेरिका मैंने आपको बताया। आगे आपको यहां पर कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, आगे भी हम इसका डिस्कशन करेंगे कि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंपोर्टेंट है डिस्कशन के लिए हमारे लिए पॉइंट्स, वो है यहां पर जो एक नदी है, अब नदियों पर आते हैं हम, एक नदी यहां पर है ओरिनोको, जो कहां से निकल रही है, जो यहां से निकलकर जाती है, जो हमारा पर्वत श्रेणी है, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसके द्वारा कौन सी नदी निकलती है, ओरिनोको, तो ये सभी देखेंगे एंडीज पर्वतमाला, जिससे एक नदी निकलती है ओरिनोको, जो कहां पर जाकर गिर जाती है, यहां पर कैरेबियन सी में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आसपास कौन कौन से रीजन है, उस पर आपको पहले ध्यान जाना चाहिए कि साउथ अमेरिका के आसपास कौन सी जलसंधियां हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसके वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन पड़ता है, ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन। अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमने देखा था यहां पर नीचे मैगलन स्ट्रेट एंड यहां तक पूरा अटलांटिक ओशियन का पूरा यहां पर विस्तार है। अगर ऊपर की साइड में देखें तो कैरेबियन सी, तो याद रखोगे नॉर्थ साइड में कैरेबियन सी, यहां पर अटलांटिक ओशियन, यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड सदर्न अटलांटिक ओशियन एंड यहां पर पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक सी एंड साउथ पैसिफिक सी, तो ये चारों तरफ से इसको घेरता है, किसको, साउथ अमेरिका को। यस पेरू एंड बोलिविया, यस वकुल कुमार, यस। तो यहां पर आप याद रखना कि यहां पर अगर हम देखें अब तो यहां पर एक नदी है ओरिनोको रिवर यहां से जो कहां से निकल रही है, एंडीज पर्वतमाला। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अब कि पर्वतमाला अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब देखते हैं साउथ अमेरिका में कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं।
डियर फ्रेंड्स, यहां साउथ अमेरिका में एक पर्वतमाला है एंडीज। तो एंडीज पर्वतमाला की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होती है वेनेजुएला से, वेनेजुएला, कोलंबिया, यहां पर इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली, सात राज्य, मतलब सात जो देश हैं, सात देशों में ये पूरी फैली हुई है। स्टार्ट होती है वेनेजुएला से और वेनेजुएला से जाकर कहां पर खत्म होती है, नीचे अर्जेंटीना एंड चिली तक फैली हुई है। मिस पूरे सात देशों में फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है कि एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है अकोंकागुआ। अकोंकागुआ जो सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है किसकी, एंडीज पर्वतमाला की। तो एंडीज पर्वतमाला कितने देश में फैली हुई है ये आपको याद रखना है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली। तो सात देशों में फैली हुई है कौन, एंडीज पर्वतमाला। एंड अकोंकागुआ, अकोंकागुआ जो हमने देखा यहां पर, जो कहां पर है, जो चिली एंड अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है, माय डियर फ्रेंड्स, चिली एंड अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है कौन, अकोंकागुआ। तो अकोंकागुआ हमने देखा कि चिली एंड अर्जेंटीना दोनों की बाउंड्री पर है, दोनों की बाउंड्री पर है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं यहां पर, अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, एंडीज के अलावा, एंडीज के अलावा यहां पर और क्या है, गुयाना, गुयाना हाईलैंड, यहां पर एक गुयाना उच्च भूमि है जो आपको याद रखना है। एक यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्राजील की जो है उच्च भूमि है। यहां पर एक जो आपके लिए यहां पर पेंटागोनिया का यहां पर क्या है, पठार, और ये पेंटागोनिया डेजर्ट भी है। एक आपको याद रखना है यहां पर अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, यहां दो डेजर्ट पड़ेंगे यहां पर हमारे लिए, कौन से हैं, दो डेजर्ट मीन्स यहां पर दो मरुस्थल हैं, दो मरुस्थल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप सभी को समझ में आ रहा है जितना मैंने लेक्चर बताया, एक बार यस कर दीजिए, आप बोर तो नहीं हो रहे, एक बार यस कर दीजिए कि सर वी आर एंजॉइंग। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर तो आप पूछ सकते हो, आर यू एंजॉइंग क्लास, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहां पर एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला जो सात देशों में फैली हुई है, सात देशों में फैली हुई है, और यहां पर पेंटागोनिया, पेंटागोनिया ये भी आपको याद रखना है। एक हमें यहां पढ़ेंगे ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको, तो ग्रैंड चाको, पेंटागोनिया, ये सभी देखेंगे। अब यहां पर देखना माय डियर फ्रेंड्स, जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, इसी के साथ हम देखेंगे कि यहां पर एक नदी निकल रही है, यहां पर एक नदी निकल रही है, और उसके साथ अगर आप यहां देखोगे एंडीज पर्वतमाला में जो पेरू का भाग है, यहां पर बोलिविया एंड इक्वेडोर एंड पेरू, तो यहां से देखोगे यहां आसपास से कौन सी नदी निकल रही है, यहां पर अमेजन, तो यहां पर जो पेरू का पार्ट है, पेरू का जो पार्ट है, यहां से अमेजन नदी निकल रही है, अमेजन नदी निकल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप देखोगे तो अमेजन नदी आपको दिखेगी यहां पर, एंडीज, एंडीज से कौन सी नदी निकल रही है, अमेजन, अमेजन नदी, अमेजन नदी। और ये अमेजन नदी कहां से निकल रही है, एंडीज पर्वतमाला से, और यहां से कई सहायक नदियां, मेड्रिया, मेड्रिया इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मेड्रिया ये इसकी सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद निग्रो, निग्रो नदी, ये सभी आकर अमेजन से मिलती है। और अमेजन यहां पर जाकर कहां मिल जाती है, माउथ ऑफ अमेजन, यहां पर जो ऊपर कैरेबियन सी है वहां पर जाकर गिर जाती है माय डियर फ्रेंड्स, कैरेबियन सी में। तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी, अगर इसको हम बोले साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ, तो सॉरी यहां पर नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इसके आसपास ऊपर की साइड में कैरेबियन, कैरेबियन सी, एंड यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर खुलेगी जाकर, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो माउथ जो इसका खुलेगा वो खुलेगा अटलांटिक, नॉर्थ कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरेगी कौन, यहां पर अमेजन। और अमेजन के यहां पर जो जंगल है और यहां पर जो मैदानी भाग है, इन जंगलों को हम सेलवास भी कहते हैं, सेलवास, जो जंगल है अमेजन के, जो काफी घने जंगल हैं, जिन्हें हम यहां पर क्या कहते हैं, सेलवास। तो आप याद रखोगे अमेजन नदी कहां से निकल रही है, एंडीज पर्वतमाला से, और गिर कहां रही है, अटलांटिक महासागर में, इसीलिए से क्या कह रहे हैं, इसीलिए से क्या कह रहे हैं हम, सेलवास, सेलवास। यस, हाईलैंड्स को भी एक्सप्लेन करेंगे नैन्सी शेखावत जी, यस। तो यहां पर समझना, सेलवास इसे कहते हैं, एंडीज पर्वतमाला आपने देखी माय डियर फ्रेंड्स, एंडीज पर्वतमाला। उसके अलावा यहां पर और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है,
और हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि एंडीज पर्वतमाला के अलावा यहां से जो नदियां निकलती है, यहां से जो नदियां निकलती है, यहां पर ब्राजीलियन जो हाईलैंड है, ब्राजीलियन हाईलैंड से दो नदियां निकलती है, उसमें एक है यहां पर साओ फ्रांसिस्को एंड दूसरी नदी यहां पर पैराना नदी एंड साओ फ्रांसिस्को, दो नदियां निकलती है ब्राजीलियन हाईलैंड से जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजीलियन हाईलैंड, ये दोनों नदियां, यहां से जो पैराना नदी निकलकर यहां से पैराना नदी निकलती है और आकर यह यहां पर गिर जाती है, कहां पर? अटलांटिक ओशियन में। अगेन यहां पर अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। तो ये पैराना रिवर आप याद रखोगे, पैराना रिवर एंड साओ फ्रांसिस्को दोनों ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, दोनों ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। अगेन जो एक इंपॉर्टेंट नदी यहां पर है वो है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहां देखोगे तो अगर और नदी देखें यहां पर हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपको दिखेगी माय डियर फ्रेंड्स पराग्वे नदी यहां पर माटो ग्रासो प्लेटू से निकलती है और ये भी कहां पर जाकर गिरती है, ये बाद में पराना रिवर में सहायक नदी के तौर पर काम करती है और ये भी अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है, अटलांटिक ओशियन में। तो पराना रिवर, साओ फ्रांसिस्को रिवर, पराग्वे रिवर एंड अमेजन रिवर, यहां पर निग्रो रिवर, मेड्रिया, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कहां से संबंधित है, साउथ अमेरिका से संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स। हमने देखा कि यहां पर जब हम पढ़ रहे थे पहाड़ियां मींस पर्वत, तो पर्वत में आपको क्या याद रखना है कि एंडीज पर्वतमाला है, यहां पर एंडीज पर्वतमाला, उसकी सबसे बड़ी चोटी जो है एंकागुआ, उसके बाद दो डेजर्ट है, एक अटकामा डेजर्ट जो यहां पर चिली और अर्जेंटीना, यहां पर आगे देखेंगे हम अटकामा डेजर्ट कहां कहां इसकी बाउंड्री अच्छे से टच करती है, तो ये हम देखेंगे अटकामा डेजर्ट के बाद यहां पर एक है पेटागोनिया डेजर्ट, ये एंडीज जो पर्वतमाला है यहां पर उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, तो यहां पर बारिश वगैरह नहीं होती, और ये जो एक है कोल्ड डेजर्ट एंड अटकामा डेजर्ट ये माय डियर फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सूक्ष्मतम मीन सबसे ज्यादा ड्राइस्ट डेजर्ट है अटकामा डेजर्ट। इसके बारे में आप याद रखोगे कि अटकामा डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट, ये दोनों डेजर्ट साउथ अमेरिका में एंड पेंटागोनिया यहां पर चिली एंड अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है माय डियर फ्रेंड्स, चिली एंड अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है। एंड अटकामा यहां पर चिली एंड पेरू अगर हम यहां देखें मैप में, अगर आप सही से मैप में देखोगे तो चिली एंड पेरू तो यहां पर क्या है अटकामा डेजर्ट ये सूक्ष्मतम डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में अटकामा डेजर्ट। तो ये सभी पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आगे जो यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर वो कौन कौन से पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहां देखोगे तो एक यहां पर अटकामा डेजर्ट जो है वो कॉपर के लिए काफी फेमस है, यहां कॉपर की काफी खाने हैं अटकामा डेजर्ट में। एंड जो चिली है, चिली का यहां पर इक्विन यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट खाने हैं कॉपर की और यहां पर आप देखोगे अकांका हुआ, साथ में यहां पर जो बोलिविया का प्लेट्यू है, बोलिविया का पठार है, वहां पर टिन के काफी मात्रा में स्रोत पाए जाते हैं, टिन के स्रोत, तो यहां पर टिन जो उद्योग है वो काफी मात्रा में क्या है, बढ़ा है। तो बोलिविया का पठार किसके लिए फेमस है, टिन के लिए, जबकि अटकामा डेजर्ट कॉपर के लिए। एंड जो बोलिवियन पठार, जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्राजीलियन उच्च भूमि यहां पर भी कॉपर की काफी मात्रा में यहां पर जो भंडार है वो पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, भंडार पाए जाते हैं। आगे यहां पर हमने दो झील देखी, लेक टिटिकाका एंड लेक पोपो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे अगर हम यहां पर देखें तो माय डियर फ्रेंड्स एंडीज पर्वतमाला यहां पर एक जो है चिम्बरजो, ये एक ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंची ज्वालामुखी है चिम्बरजो, यहां पर हाईएस्ट वोल्केनिक रेंज है चिम्बरजो, और यहां पर कोटोपैक्सी जो है हाईएस्ट वोल्केनिक बोलते हैं, हाईएस्ट वोल्केनिक
जिसे कोटोपेक्सी, एंड हाईएस्ट नौगम्य झील हमने देखा कि सबसे ऊंचाई पर जो नौवहन परिवहन होता है अकांकागुआ, अकांकागुआ के पास में यहां पर लेक टिटिका का, लेक टिटिका का तो हाईएस्ट नौगम्य झील है लेक टिटिका का। यहां पर चिम्बरजो, कोटोपेक्सी एंड ये अकांकागुआ, ये सभी जलवायु है, ये सभी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, इन सभी का नाम भी आप याद रखोगे, इन सभी का नाम भी आप याद रखोगे। यहां पर है अकांकागुआ जो चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर पड़ती है, चिली और अर्जेंटीना, और सबसे बड़ा, सबसे यहां पर ये सबसे बड़ी ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की, जो आपको याद रखना है। जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ये कॉपर और आयरन यहां काफी मात्रा में पाया जाता है, ब्राजीलियन हाईलैंड में कॉपर एंड आयरन, और स्पेशली किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए, जबकि हमने देखा था जो बोलिवियन प्लेट्यू है वो टिन के लिए बहुत फेमस है, टिन के लिए, एंड अटकामा डेजर्ट जो है यहां पर कॉपर, कॉपर, कॉपर की काफी मात्रा में स्रोत पाए जाते हैं। इन सभी को आप याद रखोगे, इन सभी को आपको याद रखना है, इन सभी को आपको याद रखना है। अगेन जब यहां हम देखें कि इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए कि यहां पर अगर हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर है एक नदी ओरिनोको, ओरिनोको रिवर है यहीं पर, यहीं पर आसपास जो गुएना हाईलैंड है उसी के यहां आसपास एक एंजल फॉल मिलता है, एंजल जलप्रपात, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा एंजल मींस एंजल जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहां पर मोरेकिबो, जो मराकेबो, ये हमने यहां पर देखा एक लेक है जहां पर वेनेजुएला का खनिज जो तेल है उसका काफी ज्यादा बड़ा भंडार है। यहां पर अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में जो जंगल पाए जाते हैं यहां पर काफी मात्रा में जंगल है, उसे सेल्वास वन कहा जाता है, सेल्वास वन, और यहां रबर की खेती काफी ज्यादा मात्रा में होती है ब्राजील में, ब्राजील में रबर की खेती काफी मात्रा में होती है। साथ में ही यहां पर ब्राजील में ही साओ पाउलो, साओ पाउलो जो है यहां पर कहवा, कहवा जो कॉफी है उसकी काफी मात्रा में खेती होती है, और यहां जो कहवा के बागान रहते हैं उन्हें कहते हैं फेजेंडा। ब्राजील में जो कहवा, कहवा मिस कॉफी, कॉफी के जो बागान रहते हैं उन्हें बोलते हैं फेजेंडा। और साओ पाउलो, साओ पाउलो जो है, साओ पाउलो वहां पर काफी मात्रा में जो कॉफी है, कहवा है, उसकी एक्सपोर्ट होता है, तो यहां काफी बड़ी मंडी है साओ पाउलो में, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। यस, ओ ओजस डेल सलदो इन अर्जेंटीना इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, इज इट ट्रू? यस, जनरली कई बार बुक्स में क्या किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि वहां पर कोटोपेक्सी दिया जाता है, लेकिन अगर दोनों में से अगर एक अपन को करना हो तो यहां पर वो आएगा कौन सा, ओजस डेल सलदो, ओजस डेल सलदो इन अर्जेंटीना, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप यहां देखोगे तो ये भी मैंने लिख रखा है यहां पर, अगर आप इसको देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, ओजस डेल सलदो, ओजस डेल सलदो, तो ये भी हमने अपने यहां पर डिस्कशन के पॉइंट में लिया हुआ है, इसको भी देखेंगे हम, इसको भी देखेंगे। ओजस डेल सलदो सबसे ऊंचाई पर क्या है, वोल्केनो, लेकिन कई बुक्स में कोटोपेक्सी देकर रखते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक अगर आपको लगाना रहे तो हम लगाएंगे ओजस डेल सलदो, तो ये आपका राइट है। मैं फिर कह रहा हूं कि ओजस डेल सलदो अगर ऑप्शन में रहता है तो पहला ऑप्शन ओजस डेल सलदो रहेगा, लेकिन ज्यादातर बुक्स में कोटोपेक्सी दे रखा है, कोटोपेक्सी, तो अगर कोटोपेक्सी नहीं दे रखा हो, अगर डेल सलदो दे रखा हो तो पहले डेल सलदो उसके बाद कोटोपेक्सी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यहां पर डिस्कशन किए। अब आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर वो क्या है कि अटकामा डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट, ये दोनों हमने देखा, ब्राजीलियन जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है वहां पर हमने देखा कि आयरन के काफी मात्रा में स्रोत पाए जाते हैं, यहां से साओ फ्रांसिस्को एंड पनामा दो नदियां निकलती है। उसके अलावा हमने देखा कि बोलिवियन जो पठार है वहां पर टिन के काफी मात्रा में स्रोत पाए जाते हैं, अटकामा डेजर्ट है वहां पर कॉपर के काफी मात्रा में स्रोत पाए जाते हैं, अकांकागुआ जो एंडीज पर्वतमाला की, जो एंडीज पर्वतमाला उसकी सबसे बड़ी चोटी है अकांकागुआ, अकांकागुआ। और साथ में हमने देखा कि कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, लेकिन उससे पहले अर्जेंटीना ने ओजस डेल सलदो उसको माना जाता है, ओजस डेल सलदो, अगर ऑप्शन में ओजस डेल सलदो नहीं हो तो कोटोपेक्सी आंसर हो जाएगा, कोटोपेक्सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा यहां पर लेक टिटिका का, लेक टिटिका का एंड लेक
पोपो, लेक पोपो, लेक पोपो पूरी तरह बोलिविया में है, लेक टिटिकाका यहाँ पेरू एंड बोलिविया दोनों की बाउंड्री पर पड़ रही है, बाउंड्री पर पड़ रही है, और लेक टिटिकाका के यहीं पर ही लापाज, लापाज जो पेरू की राजधानी है वो स्थित है, लेपू जो लापाज है वो राजधानी किसकी है, पेरू की, वो स्थित है लेक टिटिकाका पर, लेक टिटिकाका पर। तो ये समझना यहाँ पर अगर आपको दिख भी रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लापाज, तो ये कहीं ना कहीं जो लेक टिटिका है, लेक टिटिका का है उसके आसपास यहाँ पर स्थित है, आसपास स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है, बोलिविया प्लेटू, टिन टिन, अटकामा डेजर्ट, कोपर एंड ब्राजीलियन, ब्राजीलियन हाईलैंड आयरन के लिए। तो आप जब भी लिखने के लिए आएगा तो टिन से संबंधित जो उद्योग है यहाँ पर फेमस होंगे, आयरन का जो उद्योग है उसके लिए ब्राजीलियन हाईलैंड वो फेमस हो जाएगा, एंड यहाँ पर अटकामा डेजर्ट के पास, यहाँ पर अटकामा डेजर्ट है यहाँ पर, और यहीं पर चिक्विक्यूमेटो, यहां पर चिक्विक्यूमेटो एक यहां पर जगह है पेरू में, इसलिए यहां पर काफी मात्रा में जो पेरू चिली है, चिली यहां पर काफी मात्रा में क्या होता है, किसका जो तांबा है उसका काफी मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं, उद्योग का खनन होता है, मीन्स जो तांबा है उसका खनन किया जाता है माई डियर फ्रेंड्स चिक्विक्यूमेटा। तो ये सभी आपको याद रखना है माई डियर फ्रेंड्स, ये सभी आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपने यहां देखा होगा, अगर आप यहां देख रहे हो तो अमेजन बेसिन है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो जंगल है उनको हम बोलते हैं सेलवास, सेलवास, सेलवास। और इसके अलावा यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर एक नदी है ओरिनोको, ओरिनोको, ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर जो आपको पहले भी मैंने बताया था, ओरिनोको रिवर, यहां पर कौन सी रिवर है, ओरिनोको रिवर। तो ये जो नदी है ओरिनोको रिवर, इसके आसपास जो जंगल है और जो ग्रासलैंड है उसको बोलते हैं लानोस, लानोस। जबकि जबकि जो यहां पर बोलिविया, बोलिविया एंड जो यहां पर अर्जेंटीना है एंड पराग्वे, यहां पर पड़ता है ग्रेनचाको। तो ग्रेनचाको क्या है, यहां पर भी एक विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है, घास के मैदान है, इसे बोलते हैं ग्रेनचाको, ग्रेनचाको जो बोलिविया, पराग्वे एंड अर्जेंटीना के यहां पर मिड में पड़ता है ग्रेनचाको। यस संजीव मीना जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पायल मंडल, टोबेको, यस यस, टोबेको भी होता है, यस। तो यहां पर समझना, क्योंकि टोबेको जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है तो यहां पर आसानी से होता है ब्राजील के यहां पर। तो यहां पर देखना जो लानोस है, लानोस है वो कहां पर है माय डियर फ्रेंड्स, जो ग्वेना हाईलैंड है, ग्वेना हाईलैंड, और ओरिनो, जो ओरिनोको रिवर है उसके यहां पर जो वनस्पति चाय पाई जाती है उसे हम बोल रहे हैं लानोस। तो लानोस कहां से संबंधित है, साउथ अमेरिका, ब्राजील जो है यहां पर, ब्राजील, ब्राजील में यहां पर अमेजन बेसिन, यहां पर जो जंगल पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं सेलवास। तो सेलवास किससे संबंधित है, अमेजन बेसिन के जो जंगल है उन्हें कहा जाता है सेलवास, सेलवास, ये भी आप याद रखोगे। ग्रेनचाको कहां से संबंधित है, तो ये भी साउथ अमेरिका से संबंधित है, ये भी आप याद रखोगे। एंड आप याद रखोगे कि पंपास, पंपास जो यहां पर अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, यहां पर अर्जेंटीना में घास के मैदान यहां पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पंपास, पंपास। तो ये इनका क्या इंपॉर्टेंस है, पंपास, पंपास जो है इनका पूरा फैला हुआ है यहां पर अर्जेंटीना से लेकर उरुग्वे तक, उरुग्वे तक। इसीलिए जब घास के मैदान ज्यादा होंगे माय डियर फ्रेंड्स तो जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, उसका काफी ज्यादा मात्रा में विकास होगा। तो इसीलिए यहां पर जो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो एंड ब्यूरस आयरस जो राजधानी है किसके, अर्जेंटीना की, इन दोनों जगह मीट, मीट का उद्योग और वीट मींस जो गेहूं का उद्योग, ये दोनों उद्योग के केंद्र हैं। एंड अगर आप बात करोगे यहां पर ग्रेनचाको, तो अर्जेंटीना एंड पराग्वे यहां पर ग्रेनचाको फैला हुआ है, ये एक वनस्पति क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं ग्रेनचाको। अगर ग्रेनचाको के बारे में बात करें तो यहां पर भी पशुपालन और वीट की काफी ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं यहां पर, आगे चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे मैंने आपको बताया यहां पर कि अमेजन जो है उसके सेलवास वन कहा जाता है, सेलवास, और यहां पर रबर की खेती काफी मात्रा में की जाती है। जो साओ पालो है वहां पर कहवा की खेती काफी की जाती है और कहवा की बड़ी मंडी है। जो कहवा के जो बागान है, बागान है ब्राजील में, उन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा, फेजेंडा।
साथ में हमने देखा था कि ब्राजीलियन जो हाईलैंड है वहां से साओ फ्रांसिस्को एंड पराना जो रिवर है, पराना रिवर दो रिवर निकलती है, जबकि जो अमेजन रिवर है वो पेरू में जो ये यहां पर जो एंडीज पर्वतमाला है वहां से निकलती है। एक यहां पर नदी है ऊपर की साइड में, एक जो नदी है उसको भी याद रखना, एक नदी जो इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको याद रखना है, वो है यहां पर मैगडलिना। मैगडलिना रिवर है वो कहां से निकलती है, कोलंबिया से, कोलंबिया का जो एंडीज पर्वतमाला है वहां से निकलती है और यहां पर जाकर एक कैरेबियन सी जो है वहां पर गिर जाती है। तो मैगडलिना जो रिवर है वो कहां से संबंधित है, साउथ अमेरिका। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि मैगडलिना जो रिवर है वो कोलंबिया से निकलती है साउथ अमेरिका में। मैगडलिना रिवर कोलंबिया से निकलती है, कोलंबिया से। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। लेक टिटिकाका ये आपको याद रखना है कि कहां से संबंधित है। जब बार बार आप इनको रिवाइज करोगे, बार बार अपने दिमाग में इनको रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। एक जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यहां पर है रियो डी जेनेरिया, जहां पर जो फेमस है बहुत, जो आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करोगे या स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे तो रियो डी जेनेरिया हमेशा आपके न्यूज में रहेगा। और ये हमेशा क्यों फेमस है कि 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट कहां पर, रियो डी जेनेरिया में, इसलिए फेमस है। और इसी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNCCD, UNFCCC, 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 UNFCBD ये तीनों यहीं से आए निकलकर। तो रियो डी जेनेरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1992। तो ये क्या है, ये यहां पर रियो समिट का आपको याद रखना है, रियो समिट का, कि यहां पर रियो समिट हुई थी जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सभी यहां से निकलकर आए, कहां से, रियो डी जेनेरिया से। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखो, अब ये हमारे लिए एक सिंपल सा है कि हमने देखा ग्वेना जो हाईलैंड है और वहां पर ओरिनोको जो रिवर थी वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हम लानोस। अमेजन बेसिन पर जो यहां पर जंगल थे उन्हें हम बोल रहे थे सेल्वास। और ग्रेन चाको वहां पर वनस्पति पाई जाती है, स्पेशली अर्जेंटीना। एंड यहां पर अगर आप देखोगे दोबारा डायग्राम में तो आपको यहां पर ग्रेन चाको दिख रहा होगा, तो अर्जेंटीना एंड यहां पर पराग्वे, यहां पर पूरी जो वनस्पति है, थोड़ा बोलिविया का भी है। तो ये जो यहां पर है ग्रेन चाको एंड अर्जेंटीना एंड यहां पर उरुग्वे, यहां पर कुछ वनस्पति पाई जाती है जहां पर वीट का काफी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं पंपास। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा कि लानोस, सेल्वास, ग्रेन चाको एंड पंपास, ये किस पर्टिकुलर महाद्वीप से संबंधित है। तो ये सभी आपको याद रखना है। सिनकोना ये होती है एक जड़ी बूटी, सिनकोना एक औषधीय पादप है। सिनकोना जो आपको याद हो तो सिनकोना मलेरिया को ठीक करने के लिए काम आती है, ये भी यहाँ काफी मात्रा में पाई जाती है। इसका भी यहाँ पर ब्राजील में लानोस के आसपास और ब्राजील का जो ये पार्ट है यहाँ पर काफी मात्रा में सिनकोना की औषधि जो है उसका उत्पादन किया जाता है, ये मलेरिया के उपचार में काम आती है सिनकोना। तो ये एक औषधीय पादप है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर याद रखना। पेंटागोनिया हमने देखा, पेंटागोनिया का पठार, और पेंटागोनिया यहां पर क्या है, एक यहां पर पेंटागोनिया नाम से डेजर्ट भी है, डेजर्ट। तो ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट। यहां पर पूरा एंडीज पर्वतमाला हमने देखा कि पूरा यहां से स्टार्ट होता है, यहां से और नीचे तक, यहां पर चिली तक जाता है, वेनेजुएला से स्टार्ट होता है, वेनेजुएला से, तो पूरा 7 देशों को यहां पर क्या करता है, कवर करता है। तो हमने देखा इसको, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हमने देखा कि एक तरफ यहां पर पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ यहां पर अटलांटिक ओशियन है, ऊपर की साइड भी देखे तो यहां पर अटलांटिक ओशियन और यहां पर कैरेबियन सी। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट याद रखना है। आप अपने जो मैपिंग है उसमें, मैपिंग जो है आपका जो मैप है उसमें आप इन सभी को क्या कर लोगे, आप इन सभी को मैप में आप क्या कर लोगे,
एक बार मैप में आप इन सभी को मैप में आप इंडिकेशन कर लोगे, इंडिकेट कर लोगे और लिख लोगे, तो आपको ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और एक जो इंपॉर्टेंट जो एक जो पॉइंट्स है, तो ये सभी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, इक्वेडोर का एक द्वीप है, वो द्वीप है गैलापागोस आइलैंड, जिस पर किसका अधिकार है, इक्वेडोर का। इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो, ये भी आपको याद रखना है, इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो, ये भी आपको याद रखना है। एंड एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर ये जो है, ये है पनामा देश है, और यहां पर इसकी राजधानी पनामा सिटी, और ये यहां पर जो एक यहां पर कैनाल है, पनामा कैनाल, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किस कैनाल के द्वारा अलग होता है, तो यहां पर है पनामा कैनाल के द्वारा होते हैं। साउथ अमेरिका के प्लेट्यू, देखो जितना एज ए यूपीएससी पूछता है उतना तो मैंने आपको कर दिया है माय नैन्सी जी, उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर आप ज्यादा चाहते हो तो और एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। बट यूपीएससी में उतना ज्यादा पूछता नहीं है, जितना पूछता है कि कौन सा पर्टिकुलर, कौन सी वहां से रिवर निकल रही है, कौन से वहां पर खनिज के स्रोत हैं, वो जनरली पूछता है। इसलिए हम उतना ज्यादा डीप में स्टडी इसका जनरली नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आपने बोला है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स थे। अगेन हम देखते हैं कि इक्वेडोर, गैलापागोस आइलैंड, ये आपको याद रखना है। एंड यहां पर पनामा कैनाल, अब हम एक रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। यस आलोक रंजन, आलोक राजी, गुड इवनिंग। तो यहां पर अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर कि किस तरीके से यहां पर ग्रैंड चाको एंड पंपास, ये दोनों क्षेत्र हैं, ये पशुपालन मींस डेयरी उद्योग, इसके लिए बहुत फेमस है। साथ में यहां पर वीट काफी मात्रा में होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए पंपास का जो एरिया अर्जेंटीना वहां पर वीट की काफी मात्रा में होता है, इसलिए अर्जेंटीना वीट का एक बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। ब्राजीलियन हाईलैंड, उसके बारे में हमने देखा कि यहां पर ब्राजीलियन जो उच्च भूमि है, यहां पर आयरन के भरपूर स्रोत हैं, तो यहां पर लो जो उद्योग है वो काफी विकसित हुआ। ग्वेना हाईलैंड में यहां पर लानोज है, उस वो वनस्पति पाई जाती है, अमेजन बेसिन की जो वनस्पति, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्वास। और ये क्यों था, हमने देखा था कि यहां पर विषुवत रेखा गुजर रही है, तो यहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, हाई, और रेन जो है वो हाई रहती है हमेशा, इसलिए यहां पर काफी मात्रा में क्या हुआ, काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर अमेजन बेसिन में क्या हुआ, जो अमेजन के जंगल हैं वो काफी मात्रा में यहां पर विकसित हुए। अगेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, जिसका हमने डिस्कशन किया कि ब्राजीलियन हाईलैंड से एक नदी निकलती है साओ फ्रांसिस्को एंड पैराना रिवर, जो लास्ट एंड फाइनल में जाकर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। एंड जो एक और नदी थी मैड्रिया रिवर, जो अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। अमेजन नदी कहां से निकल रही थी, यहां से पेरू में जो एंडीज पर्वतमाला, वहां से, और कहां पर जाकर गिर रही थी माय डियर फ्रेंड्स, अटलांटिक ओशियन में। यहां पर एक और नदी जो कोलंबिया में एंडीज पर्वतमाला से निकल रही थी, उसका नाम था मैग्डेलिना, जो कहां पर जाकर गिर रही थी, यहां पर कैरेबियन सी में। यहां पर हमने देखा कि कौन सी झील है, मरासिएबो जो यहां पर झील है, लेक है, यहां काफी मात्रा में बहुत ज्यादा भंडार है किसके, खनिज तेल के, इसीलिए वेनेजुएला खनिज तेल की दृष्टि से काफी, उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है, इसलिए ओपेक का सदस्य भी है, कौन, वेनेजुएला। यहां पर और कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहां अटकामा डेजर्ट, जो हमने देखा कि ये पेरू एंड यहां पर जो चिली है उसकी बाउंड्री पर पड़ता है, साथ में बोलीविया की जो बाउंड्री उसको भी टच करता है अटकामा डेजर्ट। और विश्व का सबसे ज्यादा सूखा हुआ ड्राइस्ट क्या है, डेजर्ट, तो ये भी आप याद रखोगे। ग्रैंड चाको हमने देखा एंड अर्जेंटीना ब्यूनस आयरस, साथ में मोंटेवीडियो पराग्वे की राजधानी, यहां पर दोनों जगह पशुपालन और वीट की काफी ज्यादा खेती होती है, यहां पर मांस उद्योग काफी मात्रा में होते हैं, क्योंकि घास के मैदान यहां आसपास है, पंपास घास के मैदान है, जो पशुपालन की दृष्टि से काफी ज्यादा मात्रा में पशुपालन की दृष्टि से महत्व रखते हैं।
आगे हमने यहां पर देखा कि पंपास कहां पर फैला हुआ है, और पंपास यहां पर कौन सी नदी आ रही है, पराना रिवर जो पंपास में यहां पर काफी मात्रा में चारों तरफ प्रवाह क्षेत्र है। तो ये सभी आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी भी आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये भी याद रखना है। यहां पर हमने देखा पेंटागोनिया का पठार एंड साथ में पेंटागोनिया का जो डेजर्ट है जो यहां पर एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए ये भी फेमस है, ये भी यहां पर फेमस है, जिसको भी आपको याद रखना है। यहां पर दो नदियां अर्जेंटीना की आपको याद रखना है, दो नदियां अर्जेंटीना की आपको याद रखना है जो कहां से निकल रही है, एंडीज पर्वतमाला से कहां, कौन कौन सी, एक है विग्रो और एक है कोलोरेडो, ये दोनों नदियों को आपको याद रखना है, और बाकी नदियां आपको याद रहे या नहीं, लेकिन कोलोरेडो एंड विग्रो ये दोनों नदियों को आपको याद रखना है। कहां की नदियां हैं, ये नदियां स्टार्ट होती है एंडीज पर्वतमाला से चिली में, और कहां पर जाकर गिरती है, ब्लैंका बे एंड यहां पर गल्फ ऑफ सैन मैटिस, इन दोनों में जाकर गिरती है। तो ये कहां से संबंधित है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ब्लैंका बे एंड गल्फ ऑफ सैन मैटिस, कोलोरेडो रिवर एंड विग्रो रिवर, ये सभी आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी आपको याद रखना है। यहां पर हमने देखा ब्राजीलियन हाईलैंड आयरन के लिए यहां पर अकांकागुआ सबसे बड़ी चोटी है, किसकी, एंडीज पर्वतमाला की, अटकामा डेजर्ट हमने पढ़ा, उसके बाद लेक टिटिकाका बोलिविया पठार जहां पर टिनके काफी मात्रा में स्रोत पाए जाते हैं। एंड यहां पर अगर देखेंगे तो कोटापेक्सी, अगर हम सेंट जोस जो ड्यूफ्लोगो है, सेंट जोस डी जो सेडो है, उसको अगर हम पहले नंबर पर, तो वही है यहां पर पहले नंबर पर वही है जोस ओजोस डेल सलादो, ओजेस डोल सलादो, वो सबसे बड़ी हाईएस्ट वोल्केनिक है, लेकिन अगर वो एग्जाम पे नहीं दे तो यहां पर आप कर दोगे क्या कोटापेक्सी, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, वो कहां पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अर्जेंटीना एंड बोलिविया की जो यहां पर है, यहां पर एक बड़ी माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर एक्टिव वोल्केनो है ओजस डेल सलाडो, उसके बाद है कोटापेक्सी जो यहां पर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चिम्बरजो, ये भी साउथ अमेरिका से संबंधित है, चिम्बरजो, तो ये आपको याद रखना है। अमेजन रिवर से संबंधित एक फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि अमेजन नदी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी नदी है, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा बड़ा है। अगर लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नील नदी है जो अफ्रीका में है, नील नदी, उसको भी जब अफ्रीका हम कवर करेंगे तब हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमने देखा लेक पोपो एंड लेक टिटिकाका, बोलिविया पठार में टिन, अटकामा डेजर्ट, ब्राजीलियन हाईलैंड, ये सभी हमने यहां पर डिस्कशन किया। अकांकागुआ ये सभी भी हमने यहां पर पढ़ाई की, बोलिवियन प्लेटो, ये सब ब्राजीलियन हाईलैंड, ये सभी इंपॉर्टेंट है जिनको थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। पेंटागोनिया ये आपको नहीं बोलना है, पेंटागोनिया एंड अटकामा डेजर्ट दो साउथ अमेरिका से संबंधित है। पंपास ग्रेनचाको एंड ऊपर अगर आप देखोगे तो सेल्वास पाया जाता है। कहां पर सेल्वास, जो अमेजन बेसिन के जंगल, उनको सेल्वास कहा जाता है। और यहां पर लाइनोज जो यहां पर जंगल है, तो लाइनोज, सेल्वास, ग्रेनचाको, पंपास, ये सभी साउथ अमेरिका से संबंधित है, ये सभी आप याद रखोगे। एंड यहां पर अगर आप देखोगे माउथ ऑफ अमेजन, जो कहां पर ग्वेना बेसिन में जाकर गिरती है, जो अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, वो सभी आप याद रखोगे। यहां पर हमने देखा मैगलन स्ट्रेट एंड ड्रेक पैसेज, इन दोनों को याद रखोगे कि ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है, जबकि जो मैगलन स्ट्रेट ये साउथ अमेरिका का जो टेरा डेल फ्यूगो उसको जो मेनलैंड है किसकी
साउथ अमेरिका की उससे अलग करता है, उससे अलग करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स। यहां पर लैटिन अमेरिका, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि लैटिन अमेरिका कहां है, यहां पर इक्वेडोर कितने देशों से गिर जाती है, तो इसमें हमने देखा था कि इक्वेडोर, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड बोलिविया, इन तीनों देशों से इक्वेटर गुजरती है। इसीलिए इसीलिए यहां की जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, सदाबहार वन। साथ में ही हमने देखा था कि यहां पर मैग्डालेना रिवर निकलती है, यहां पर मैग्डालेना रिवर निकलती है। साथ में हमने देखा था कि यहां पर जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कितने देशों से, चार देशों से निकल रही थी, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील, ये सभी शामिल थे, ये सभी शामिल थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कशन किया, माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने डिस्कशन किया। सभी राजधानी, सभी राजधानी, और नीचे हमने देखा था कि फोकलैंड आइलैंड है जो एक महत्वपूर्ण आइलैंड है, जिस लेकिन अधिकार किसका, यूके का, लेकिन दावा करता है कौन इस पर, अर्जेंटीना, और ये डिस्प्यूट का एरिया है। कैप होर्न जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है किसका, दक्षिणतम बिंदु है किसका, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का। तो ये सभी पॉइंट हमने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट हमने किससे संबंधित डिस्कशन किया, साउथ अमेरिका का। अगर इससे संबंधित अगर आपके और कोई पॉइंट हो कि और क्या समझाना है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट जो हम आगे जो डिस्कशन करेंगे, आगे जो डिस्कशन करेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आगे इसमें क्या कमी रह गई है, एंड और आगे हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करें, और हम इसमें आगे क्या क्या इंक्लूड करें, तो वहां पर इसको डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो एज ए यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप सभी के लिए काफी है, और बाकी आप धीरे धीरे अब क्या करना, इसमें ऐड करते रहना, ऐड करते रहना कुछ नए पॉइंट्स, ताकि ताकि आप इजीली समझ पाओ मैप को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साउथ अमेरिका संबंधित जो हमने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, एंड अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताएं कि अच्छे से समझ आया, सट कोई शॉर्ट कट नहीं है क्या माय डियर फ्रेंड्स। शॉर्टकट आप खुद से बनाइए, शॉर्टकट आप खुद से बनाइए, धीरे 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 आप, कई बार क्या होता है अगर हम कोई शॉर्टकट बनाते हैं, अगर मैं मेरी शॉर्टकट बनाता हूं तो मुझे जल्दी से याद हो जाएगी, लेकिन जब हम खुद से बनाते हैं तो वो हमें लंबे टाइम के लिए याद रहती है। तो आप खुद से डेवलप करो, ये सब खुद से डेवलप करो। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट आज टॉपिक था साउथ अमेरिका। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सीसी मीन्स क्रिस्टल क्लियर, अगर आपको कंफ्यूजन है तो लिखिए सी सी कंफ्यूजन। कल क्लास जो होगी, कल क्लास होगी वो होगी 10 AM, और आप नैन्सी जी आप जाकर देखिए 7:30 को हम मिलते हैं द हिंदू एनालिसिस में, और आप आज के द हिंदू एनालिसिस को आप जाकर ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। कल क्लास होगी 10 AM मैपिंग की, एंड 7:30 डेली सुबह मॉर्निंग में 7:30 AM हमारी क्लास रहती है, सुबह 7:30 AM क्लास रहती है द हिंदू एनालिसिस डेली डेली, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो क्लासेज ऑलरेडी अपलोडेड है, जो लाइव हो चुकी है द हिंदू की, उनको देखकर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरीके से द हिंदू यहां पर करवाया जाता है। एकदम आपको आपको अटैच लगेगा बिल्कुल कि किस तरीके से बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल इजी वे में द हिंदू एनालिसिस करवाया जाता है, ताकि आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज हमें, थैंक यू सो मच, ओके ओके, यू आर मोस्ट वेलकम, ओके 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 पायल मंडल जी, थैंक यू वकुल, नैन्सी जी एंड पायल एंड आलोक राज। तो आई होप आप सभी को समझ में आया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। अगेन हम मिलते हैं कल 7:30 AM द हिंदू एनालिसिस के साथ, एंड 10 AM विथ मैपिंग क्लास। तो इन सभी के साथ अगेन हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कल का टॉपिक नैन्सी जी, कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा, कल का टॉपिक वो हम स्टार्ट करेंगे यहां पर, वो हम यूरोप स्टार्ट करेंगे कल, यूरोप, या यूरोप से पहले हम हो सकता है कोई और कंटिनेंट स्टार्ट कर दें,
और कंटिनेंट स्टार्ट कर दें, ये अभी डिसाइडेड नहीं है, फिर भी आप अटैच रहिए, आप अटैच रहिए। अभी शाम को इवनिंग में ही अभी क्लास क्या हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, अभी इवनिंग में ही क्लास अनाउंस हो जाएगा, तो आप अटैच रहिए, आपको पता लग जाएगा। अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन सा होगा, उसके बाद हम इसे फिक्स करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया हमारा, साउथ अमेरिका, उसके बाद हम यूरोप लेते हैं या एशिया सबसे लास्ट में रखेंगे, एशिया उसके साथ इंडिया करेंगे, हो सकता है अफ्रीका एंड यूरोप दोनों में से हम कोई एक आज टॉपिक रखेंगे नेक्स्ट। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक, आई होप नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, अब रहेगा हमारा यूरोप, तो आप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका हमारा हो गया, साउथ अमेरिका हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा मैपिंग का क्लास रहेगा वो रहेगा हमारा यूरोप। तो आप कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, कंसंट्रेशन बनाकर रखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नैन्सी जी, वो हमारा रहेगा यूरोप। तो कल का जो मैपिंग का क्लास रहेगा 10 AM, उसमें हम यूरोप की क्लास करेंगे, यूरोप की क्लास, यूरोप। तो यूरोप से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, दो क्लासेज हमारी हो चुकी है, नॉर्थ अमेरिका उसका आप जाकर देख सकते हो, एंड साउथ अमेरिका। यहां पर जो मैपिंग है उसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% बता दिया जाएगा, डियर फ्रेंड्स आप खुद से अब मैप पढ़ना सीख जाओ, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो इसको देखो, एक इंटरेस्ट पैदा करो, उसके बाद मैप को खुद खोलो और धीरे धीरे वहां पॉइंट्स जो मैंने बताए उनको मार्क कर लो, धीरे धीरे मैप में आपका इंटरेस्ट जगेगा और धीरे धीरे मैप आपको लगने लगेगा बहुत इजी, मैप आपको इजी लगने लगेगा। चलो डियर फ्रेंड्स, चलिए ठीक है सर, प्लीज एनसीईआरटी जीरो ग्रुप फी 11th एंड 12th क्लास का भी मैराथन सेशन लीजिए प्लीज। यस, चलिए ये भी हम कंडक्ट करते हैं, डोंट वरी पायल मंडल जी, ये भी हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, डोंट वरी, इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंडक्ट करेंगे। आलोक राज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो नैन्सी जी आपको जवाब मिल गया, कल टॉपिक हमारा रहेगा यूरोप। तो चलिए अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।